तो हमारा नेक्स्ट uh, टॉपिक है स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लोटेशन कि अब हम देखेंगे कि कास्ट बेस्ड जो एक्सप्लोटेशन होता था उसके अगेंस्ट कैसे स्ट्रगल रहा हमारा क्या क्या मेजर्स uh, अपनाए गए जिसके द्वारा जो कास्ट एक्सप्लोटेशन है उसको कम किया गया या फिर उसको मिटाने की कोशिश की गई द लेटर वे कंसेप्शन ऑफ फोर फोल डिविजन ऑफ हिंदू सोसाइटी गोट फर्दर सब डिवाइडेड इन टू न्यूमरस सब कास्ट ड्यू टू रेशियल एडमिक्सर जोग्राफिकल एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट विच गिव राइज टू न्यू वोकेशंस तो क्या होता है कि जो लेटर वैदिक कंसेप्शन uh, था वैदिक uh, टाइम में जो लेटर वैदिक इरा की बात हो रही है वहाँ पर कौन सा फोर फोल्ड डिविजन ऑफ हिंदुज्म का कंसेप्शन uh, था मतलब जो हिंदुज्म था उसमें लोगों को फोर फोल्ड बांटा गया था मतलब चार कास्ट में बाँटा जाता था सोसाइटी के, uh, के एक तरह से चार पार्ट कर दिए गए थे और बाद बाद में धीरे धीरे क्या हुआ इनको सब डिवाइडेड किया गया न्यूमरस सबकास्ट में अलग अलग सबकास्ट में उन फोरफुल डिवीज़न का और ज़्यादा डिवीज़न होता गया धीरे धीरे किस कारण से कि रेशियल एडमिक्चर की क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो रेसेस हैं वो आपस में मिक्स हो रही हैं जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है और जो डाइवर्सिफिकेशन है क्राफ्ट का वो भी सामने आ रहा है जिससे नए नए वोकेशन uh, अब नए नए लोग काम करने लगे हैं क्योंकि काम के बेसिस पर ही पहले कास्ट डिसाइड होना स्टार्ट हुआ था द कंसेप्ट ऑफ हिंदू चतुर्वर्ण आश्रम डिक्टेटेड दैट द कास्ट ऑफ अ पर्सन डिटमाइंड द स्टेटस एंड रिलेटिव प्योरिटी जो हिंदू चतुर्वर्ण आश्रम था वो बताता है ऐसे डिक्टेट करता है कि जो पर्सन की कास्ट है वो उसकी स्टेटस को दर्शाती है उसकी प्योरिटी को दर्शाती है ये उनका कहना था कि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनकी प्योरिटी और उनका स्टेटस कौन बताता है जो उनकी कास्ट होती है ये चतुर्वर्ण आश्रम जो हिंदू में था उनका कहना था इट वाज वाज कास्ट कास्ट इट दैट डिटरमाइंड हु कुड गेट एजुकेशन और ऑनरशिप ऑफ लैंड प्रॉपर्टी द काइंड ऑफ प्रोफेशन वन शुड परस्यू हुम वन डाइन विद और मैरी एक्सेट्रा तो ये कास्ट ही थी जो क्या डिटरमाइन करती थी कि आपको एजुकेशन मिलेगी या नहीं आपको किसी लैंड या प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिलेगी या नहीं आप कौन सा प्रोफेशन कर सकते हो कौन सा कार्य कर सकते हो अपनी अर्निंग के लिए और आप किसके साथ बैठकर खाना खा सकते हो किससे आप शादी कर सकते हो ये सब कास्ट बेस्ड डिसीज़न होते थे इन जनरल कास्ट डिसाइड अ पर्सन सोशल लॉयल्टी इवन बिफोर बर्थ ऐसा कह सकते हैं हम जनरली कि कास्ट एक पर्सन के बर्थ से पहले उसकी सोशल लॉयल्टीज को डिफाइन कर देती थी कास्ट ठीक है अब जो पर्सन की जो ड्रेस होती थी द ड्रेस द फूड एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन एंट्री टू टेम्पल्स ऑल दिस वर रेगुलेटेड बाय द कास्ट फैक्टर कास्ट फैक्टर क्या क्या रेगुलेट करता था पर्सन की ड्रेस की कैसी वो ड्रेसिंग करेगा और जो फूड है वो भी कास्ट डिसाइड करेगी प्लेस ऑफ रेजिडेंस रहने का स्थान आपकी किस सोर्स uh, से आप ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करोगे कहाँ से आप इरीगेशन वाटर यूज़ करोगे और आप टेम्पल्स में एंट्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कौन सा टेम्पल किसका है ये सब कुछ कास्ट डिसाइड करती थी और द वर्स्ट हिट बाय डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट वर द अनटचेबल्स और द शेड्यूल कास्ट दलित्स एज दे केम टू बी कॉल्ड लेटर और सबसे ज़्यादा जो इसका मतलब प्रकोप है इसका जो वर्स्ट हिट है जो सबसे ज़्यादा चोट किसको पहुँचाई है इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी uh, इंस्टीट्यूशन ने जो कास्ट जिसको हम कास्ट के नाम से जानते हैं एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी डिस्क्रिमिनेटरीट्यूशन ही तो है जिसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो है अनटचेबल्स अनटचेबल्स को इन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से हिट किया है और जिनको अब हम शेड्यूल कार्ड दलित मॉडर्न टाइम्स में रेफर करने लगे लेटर पीरियड में और जो द डिसेबिलिटीज इम्पोज ऑन दैम जो भी उनके ऊपर डिसेबिलिटीज लगाई गई थी कि आप ये नहीं कर सकते ये काम नहीं किया जा सकता आपके द्वारा वो बहुत ह्यूमिलेटिंग थी इनह्यूमन थी अमानवीय थी और वो इनक्वलिटी पर बेस्ड थी ठीक है और इनक्वलिटी ऐसी जो बर्थ से ही डिसाइड हो जाती थी या फिर बर्थ से पहले से बोल सकते हो आप है ना उससे पहले ही इनक्वलिटी डिसाइड हो जाती थी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने जो एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इसको मिटिगेट करने की कम करने की कोशिश की है सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था ठीक है जो ब्रिटिश रूल था बेशक उनका इंटेंशन नहीं था मतलब इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है एक्सप्लोटेशन है जो इसे कम करें लेकिन ऐसी कंडीशन ऐसी क्रिएट होती गई इनके द्वारा जिससे जो कास्ट कॉन्शियसनेस है वो कम होती गई लोगों का जो कास्ट के प्रति रुचि है जो वो स्तर रहते थे कास्ट के लिए कि मैं किसके साथ खा रहा हूँ बैठ कर उसको उसकी कास्ट पता होनी चाहिए कि मेरे इस, मुझे इसके घर से खाना खाना है नहीं खाना है इसके हाथ का बना खाना है कि नहीं किससे कास्ट से, कास से शादी करनी है कि नहीं है ना तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे कम होती गई किसके कारण अब देखो ब्रिटिश रूल से क्या क्या असर पड़ेगा वो हम देखते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया अनली सर्टेन फोर्सेस समटाइम्स थ्रू डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली बाय क्रिएटिंग सूटेबल कंडीशन तो जो ब्रिटिश रूल था उसने जो ऐसी फोर्सेस थी जो मतलब आप बोल सकते हो जिससे कास्ट एक्सप्लोटेशन भी बोल सकते हो आप कास्ट एक्सप्लोटेशन ऐसी फोर्स थी जिससे हमारा डिवीजन होता था सोसाइटी का तो उसको धीरे धीरे ब्रिटिश रूल ने भी कम किया है कभी कभी उन्होंने डायरेक्टली ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं ठीक है थीके? और कभी कभी इनडायरेक्टली भी उन्होंने ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है जिससे मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ऐसी सुटेबल कंडीशन जहाँ पर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो अपने आप ही कम हो जाए जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो आर्मी होती थी उसमें किसी कास्ट भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था जो भी इंडियंस हैं उनको चाहे वो किसी भी कास्ट का है तो उनको वो ब्रिटिश आर्मी में इंक्लूड कर लेते थे तो इस तरह से इन मतलब इनडायरेक्टली ऐसे सूटेबल कंडीशन पैदा हो गई है जहाँ पर वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं दो दीज मेजर्स हैड नेगेटिव इफेक्ट्स इन वन वे दे हैड पॉजिटिव इफेक्ट्स बेशक इन मेजर्स का कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी रहा होगा लेकिन उनके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं फॉर इंस्टेंस द क्रिएशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड एंड फ्री सेल ऑफ लैंड अपसेट कास इक्वेशन देख पहले ऐसा होता था कि जो अपर कास्ट होती थी उनको ही लैंड अपने पास रखने का अधिकार होता था एक तरह से और वो ही ऑनरशिप रखते थे किसी भी लैंड और प्रॉपर्टी की अपने पास ठीक है लेकिन जैसे ही जब ब्रिटिश रूल आता है तो उन्होंने लैंड को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया ठीक है जब लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है तो अभी ये सेल के लिए फ्री है और बिना आप कास्ट सिक्यूशन के कि आपकी कास्ट कौन सी है उसको खरीद सकते हो ठीक है क्योंकि वो फ्री फॉर सेल है मतलब फ्री फॉर सेल मतलब विदाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ठीक है फ्री सेल ऑफ लैंड अपसेट कास्ट इक्वेशन जैसा इन्होंने लिखा है अ क्लोज इंटरलिंक बिटवीन कास्ट एंड वोकेशन कुड नॉट सर्वाइव एज विलेज और टार्की क्रम्बल तो देखिए जो पहले क्या होता था कि कास्ट और वोकेशन इंटरलिंक होता था कि आप अगर इस कास्ट के हो तो आप ये काम करोगे ठीक है लेकिन जैसे ही जो विलेज का मतलब अपना एक स्ट्रक्चर था वो मतलब अपने अ, मतलब जैसे कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप उसको तो वो क्रम्बल हो गया क्योंकि ब्रिटिश रूल में अब ऐसा रहा ही नहीं कि लोग अपने कास्ट के अकॉर्डिंग उस वोकेशन को करते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी दे दी थी जहाँ पर लोग अगर चाहें तो उनको काम को कर सकते थे जैसे मैंने आर्मी का एग्जांपल दिया आप चाहो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते थे ब्रिटिश रूल के दौरान आप चाहो तो आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे लैंड खरीद सकते थे तो आप लैंड खरीद सकते हो तो आप कृषि भी कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे अगर आप चाहो तो ब्रिटिशर्स के अंडर जो भी उनकी इंडस्ट्रीज होती थी जो भी मतलब उनसे रिलेटेड कुछ भी काम है उनकी फैक्ट्रीज है वहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ भी नौकरी है तो वो कर सकते थे तो इस तरह से अब लोगों को ऐसा इंटरलिंक उनके आ, कास्ट और वोकेशन के बीच में नहीं रहा इनफैक्ट इन विलेजेस में भी ऐसा नहीं रहा तो इस तरह से विलेजेस में भी जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लोटेशन था या फिर जो कास्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ था वो ख़राब हो गया क्रम्बल हो गया बिसाइड मॉडर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गिव राइज टू सेवरल इकोनॉमिक एवेन्यूज़ वाइल्ड ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एडिट टू मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ही कॉमर्स और इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है ठीक है जैसे ही मॉडर्न कॉमर्स और इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है उससे क्या होता है कि बहुत सारे इकनॉमिक एवेन्यूज जो हैं सेवरल इकोनॉमिक एवेन्यूज वाइल्ड ग्रोइंग अर्बनाइजेशन ठीक है तो अब यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रही है ठीक है जैसे मतलब शहरीकरण हो रहा है कि इंडस्ट्रीज लग गई हैं शहरों में ठीक है वहाँ से आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक्सपोर्ट हो रहा है ठीक है और इम्पोर्ट भी हो रहा है तो इस तरह से लोगों को एक अब ज़रिया मिल गया है इनकम का कॉमर्स और इंडस्ट्री के राइज के साथ साथ और लोग लोगों की जो मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई है अब लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अब इस ट्रैवल के कारण इस मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन के कारण बेशक ये जो मोबिलिटी है ये अपने काम के लिए रोज़गार के लिए है ये मोबिलिटी बेशक अर्बनाइजेशन के कारण है क्योंकि uh, जहाँ पर अर्बनाइजेशन होगी वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी तो इस तरह से लोगों का जो कास्ट कॉन्शियसनेस है वो कम होता जा रहा है क्योंकि लोग uh, ये चीज़ अब लोगों को पता ही नहीं चलेगी किसकी कास्ट कौन सी है ठीक है क्योंकि वो इतने ज़्यादा मोबिलिटी उनके अंदर आ गई है पॉपुलेशन के अंदर कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जॉब के लिए अपने काम के लिए जा रहे हैं अब हम देख सकते हैं द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ और साथ ही ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है जहाँ पर एक आप लॉ के सामने सब बराबर हो ठीक है और जो ये लॉ है ये यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा ठीक है यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा सारी पॉपुलेशन पर इन अ यूनिफॉर्मली अप्लाइड सिस्टम ऑफ लॉ विच स्टिल ड सर्व ब्लो टू सोशल एंड लीगल इक्वलिटीज़ और एक तरह से ये बहुत बड़ा ब्लो होगा किसके लिए सोशल और लीगल इक्व के लिए जैसे पहले हमारे समाज में जो इनक्वलिटीज़ थी लीगल इनक्वलिटीज़ थी वो इस इक्वल लॉ के कारण इक्वलिटी बिफोर लॉ के कारण वो फेड होने लग जाएगी वेल द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ कास्ट पंचायत फॉर टेकन अवे पहले जैसे कास्ट पंचायत जो होती थी उसमें भी हायर कास्ट को ज़्यादा फेवर मिलता था तो वो भी क्या हो जाएगी धीरे धीरे उनकी जो पावर है वो भी फेड हो जाएगी द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वर मेड ओपन टू ऑल कास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को भी सारी कास्ट के लिए ओपन कर दिया गया तो यहाँ पर भी कास्ट कॉन्शियसनेस कम होती जाएगी हमारी सोसाइटी में द न्यू एजुकेशन सिस्टम वाज टोटली ऑन सेकुलर लाइंस और जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम था ये भी धर्मनिरपेक्ष था वो भी किसी सेकुल मतलब हमारी सोसाइटी में कोई डिविजन नहीं करता था पूरी तरह से सेकुलर लाइन्स पर था नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि किस कारण से हमारे जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लोइटेशन है किस कारण से कम होता है वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उन्होंने भी क्या किया कास्ट बेस्ड एक्सप्लोइटेशन है उसको अंडरमाइन किया उसे कम किया जैसे पॉइंट में लिखा है द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आल्सो स्ट्रोव टू अंडरमाइन कास्ट बेस्ड एक्सप्लोइटेशन कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लोइटेशन को सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने अंडरमाइन किया है कम किया है फ्रॉम द मिड नाइनटीन सेंचुरी की जो नाइनटीन सेंचुरी के मिट्टी से मतलब नाइनटीन सॉरी एटीन फिफ्टीज से आप बोल सकते हो कि एटीन फिफ्टीज़ और उससे आने वाले आगे तक के टाइम जो था उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जैसे कि ब्रह्मो समाज प्रार्थना समाज आर्य समाज रामकृष्ण मिशन और थियोफिस मतलब थियो, जो थियोसफिकल सोसाइटी को फॉलो करते थे वो थियोसफिस थे एंड द सोशल कॉन्फ्रेंस और जो सोशल कॉन्फ्रेंस होती थी और इंडिविजुअल्स जिन्होंने एजुकेशन uh, के स्प्रेड की और काम किया है कि उन्होंने अनटचेबल्स के अमंग जो एजुकेशन का स्प्रेड किया है तो इस तरह से एजुकेशन का स्प्रेड होता है और जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं ठीक है जैसे कि आप टेंपल्स वगैरह में नहीं जा सकते आप पॉइंट्स वगैरह टैंक्स को यूज़ नहीं कर सकते वो सब रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव हो जाती हैं धीरे धीरे ऑल द मैनी ऑफ देम डिफेंड द चतुर्वर्ना सिस्टम बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ऐसे थे जिन्होंने चतुरवर्ना सिस्टम को बचाने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अनटचेबिलिटी को साथ साथ उन्होंने किसको क्रिटिसाइज़ किया अनटचेबिलिटी को कि उन्होंने बताया कि चतुरवर्ना सिस्टम बेशक सही भी बोल सकते है अगर हम उनको तो अनटचेबिलिटी फिर भी गलत है उनका कहना था सोशल रिफॉर्मर्स का बहुत मतलब कुछ एक ऐसे थे सोशल रिफॉर्मर द सोशल रिफॉर्मर्स अटैक द रिजिडिटी हेरिटरी बेसिस ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन की जो रिजिट हमारा हेरिडिटरी बेसिस था कि जिसमें जो जनरेशंस थी वो अपने पूर्वजों पर उनकी कास्ट पर मतलब उनसे ही अपनी कास्ट एक तरह से हेरिडिट्री लेती ले ले थी, थी और जो कास्ट डिस्टिंक्शन था इस तरह से हेरिड्री बन चुका था तो इसको भी सोशल रिफॉर्मर्स ने क्रिटिसाइज किया उन्होंने कहा कि द लॉ ऑफ कर्मा विच फॉर्म द बेसिस ऑफ रिलीजियस फिलोसफिको फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ द अनडेमोक्रेटिकटेरियन कास्ट इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा कि जो लॉ ऑफ कर्मा law of karma है उसने क्या uh, हमारा अनडेमोक्रेटिक एथोरिटेरियन कास्ट इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया है एक तरीके से दे कॉल्ड ऑन पीपल टू वर्क फॉर बेटर इन द रियल वर्ल्ड अब वो ये नहीं बताना चाहते थे कि आपका मरने के बाद क्या होगा इस सोच पर वो बिलीव नहीं करते थे वो कहते थे कि जो आप रियल वर्ल्ड में जो अभी के वर्ल्ड में आप कर रहे हो ठीक है वो आप आ, पीपल आ, की बेटरमेंट के लिए करो दे कॉल्ड ऑन पीपल टू वर्क फॉर बेटरमेंट इन द रियल वर्ल्ड इन विच दे लिव कि जिसमें वो रह रहे हैं जिस वर्ल्ड में वहाँ पर वो वर्क करें बेटरमेंट के लिए रेदर देन स्ट्राइव फॉर सॉल्वेशन आफ्टर डेथ कि ना कि इसके लिए कि आप अपने मतलब फ्टर डेथ भी आप सारे के सारे सुख प्राप्त करोगे इसमें बिलीव करने के बजाय फॉर इंस्टेंस द आर्य समाज वाइल अगेंस्ट द डिसंटीग्रेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी इन टू मेरियड कास्ट सबका इट ऑन द ओरिजिनल फॉर फोल डिविजन एंड अप होल्डिंग द राइट ऑफ इवन द लोवेस्ट कास्ट टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स यहाँ तक की जो आर्य समाज था जब वो uh, ये बता रहा था कि मतलब इसकी आलोचना कर रहा था कि जो हिंदू सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो गई है बहुत सारे सबकास्ट में उन्होंने ये तो बताया ही कि जो हिंदू सोसाइटी है वो सबकास्ट में बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो चुकी है उसका भी बहुत ज़्यादा विभाजित हो चुकी है उन्होंने कहा कि हमको इस तरफ एम करना चाहिए कि हम दोबारा से जो फोरफोल्ड डिवीज़न है उसको क्रिएट करें रिकन्स्ट्रक्ट करें ताकि जो हमारा जो लोवेस्ट कास्ट भी है उसको भी हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का अधिकार हो तो वो बोल रहे हैं कि जो फोरफोल्ड सिस्टम था वो चतुर्वर्णा सिस्टम उसको आप रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो क्योंकि जो चतुर्वर्णा सिस्टम था वो हमारे बीच में सेग्रीगेट करने के लिए हमें या फिर डिसइंटीग्रेट करने के लिए नहीं बनाया गया था वो बस सिर्फ वर्क बेस्ड वर्ण सिस्टम था वहां पर कोई हेरिडिटरी कास्ट डिसाइड नहीं होती थी द नेशनल मोमेंट टू इंस्परेशन फ्राम द प्रिसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी अगेंस्ट द फोर्स विच टेंडिड टू डिवाइड द सोसाइटी जो नेशनल मूवमेंट था उस उन्होंने भी इंस्परेशन लिया फ्राम द प्रिसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी अगेंस्ट द फोर्स विच टेंड टू डिवाइड द सोसाइटी हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उनका इंस्परेशन क्या चीज़ें बनी हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी थे मतलब आज़ादी का जो प्रिंसिपल बोल सकते हो आप और समानता का जो प्रिंसिपल है उनको नेशनल मूवमेंट ने एक इंस्परेशन के तौर पर लिया और किसके अगेंस्ट जो ऐसी चीज़ें ऐसी फोर्सेस जो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करती थी ठीक है ऐसी फोर्सेस में से ये एक आप कास्ट uh, एक्सप्लोटेशन को भी बोल सकते हो ना वो भी ऐसी फोर्स थी जो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करती थी तो नेशनल मूवमेंट ने किस ध्यान दिया कि हमें लिबर्टी और इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है द नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अपोज कास्ट प्रिवलीजेस कि जो नेशनल लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन थे इन्होंने कास्ट प्रिवेज को अपोज किया फॉर्ड फॉर इक्वल सिविक राइट्स एंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और उन्होंने किस पक्ष में अपनी लड़ाई की कि आपको इक्वल सिविक राइट्स देने हैं सबको समान नागरिक हैं सब एंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सब इंडिविजुअल का एक तरह से फ्री डेवलपमेंट होना चाहिए द कास्ट डिविजन्स व डायल्यूटेड जो कास्ट डिविजन थी उन्हें भी डायल्यूट किया गया ऑल्दो इन अ लिमिटेड मैनर यहाँ ऐसा तो हालांकि ऐसा हुआ है कि जो लिमिटेड मैनर में हुआ क्योंकि एकदम से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाता परिवर्तन धीरे धीरे आता है बिकॉज ऑफ मास पार्टिसिपेशन इन डेमोन्स्ट्रेशन अब देखिए कि जैसे कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन होता था उसमें बहुत सारे लोग मास पार्टिसिपेट करते थे तो मीटिंग्स जब होती थी तब भी बहुत सारे लोग मास पार्टिसिपेशन होता था उसमें एंड सत्याग्रह स्ट्रगल्स होते थे उसमें भी मास पार्टिसिपेशन होता था तो इस तरह से लोगों में एकता जो है वो आनी शुरू हो गई थी नेशनलिज्म की भावना आनी शुरू हो गई थी द कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन वेरियस प्रोविंस आफ्टर 1937 डिड सम यूजफुल वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी 1937 में बहुत सारे प्रोविंस में तो उन्होंने क्या किया अपलिफ्टमेंट की और कदम बढ़ाया किसकी डिप्रेस क्लासेस के ठीक है फॉर इंस्टेंस फ्री एजुकेशन फॉर हरीजेंस तो उन्होंने फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया हरिजेंस के लिए अनटचेबल्स के लिए ये मतलब कुछ प्रोविंसेस में अपनाया गया था मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कुछ एक प्रोविंसेस में द रूलर्स ऑफ स्टेट इंदोर ट्रेवन कोंदौर एंड एंड देवास टुक द इनिशिएटिव इन ओपनिंग ऑल स्टेट टेम्पल्स बाय प्रोक्लेमेशन तो जो ट्रेबन को इंदौर देवास के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया सभी जो राज्य के टेम्पल्स थे उनको सभी कास्ट के लिए सभी लोगों के लिए क्या कर दिया ओपन कर दिया गांधी ऑलवेज हैड इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी बाय रूट एंड ब्रांच जो गांधी जी थे उनके माइंड में ये हमेशा से उनके ऑब्जेक्टिव एक से एक था कि उन्होंने जो अनटचेबिलिटी है इसको रूट्स और ब्रांच से ही खत्म कर देना था हिज आइडियाज वर बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमनिज्म रीजन गांधी जी के आइडियाज ह्यूमनिज्म पर और रीजन पर बेस्ड थे ही आर्ग्यूड दैट द शास्त्र डि नॉट सेंक्शन अनटचेबिलिटी एंड इवन इफ दे डिड दे शुड बी इग्नोर्ड सिंस ट्रूथ कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द कवर्स ऑफ अ बुक य बहुत अच्छी सेंग है उनकी कि उन्होंने कहा था कि जो शास्त्र है ना वो अनटचबिलिटी का साथ नहीं देते उसको सेंक्शन नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं ना तो ऐसे शास्त्र को इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि जो ट्रूथ है उसको हम लोग बुक्स के कवर के बीच मतलब कवर्स के अंदर ही कन्फाइन नहीं रख सकते वहीं तक कन्फाइन नहीं मतलब एक बुक ऐसे बोल सकता है कि एक बुक ट्रुथ ही बता सकती कि सारे रिलीजन एक बराबर हैं सबका एक मतलब एक ही बराबर है मतलब सब इंसान इक्वल हैं ठीक है थीके? तो जो ट्रुथ है वो बुक्स के कवर्स के बीच तक कन्फाइंड नहीं रह सकता तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो हमारे शास्त्रराज हैं उनको इग्नोर कर देना चाहिए अगर वो अनटचेबिलिटी को सेक्शन करते हैं अच्छा उसके बाद बोला इन 1932 ही फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ और गांधी जी ने 1932 में क्या किया है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की है नेक्स्ट बोला गया है कि विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड जनरल अवेकनिंग देयर वर स्टिरिंग्स अमंग द लोअर कास्ट देमसेल्फ्स तो जैसे ही जो अपॉर्चुनिटीज थी एजुकेशन की और जनरल अवेकनिंग की ये इंक्रीज होती जा रही थी तो जो लोअर कास्ट है वो खुद से भी जागरूक हो गई थी उन वो भी मतलब एक तरह से जैसे उनमें भी हलचल उत्पन्न हो गई थी कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए द अवेकनिंग ग्रेजुअली डेवलप्ड इं टू अ पावरफुल मूवमेंट और अब जो है वो भी अपने मतलब अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पे तो अपनी आवाज रेज करते थे अब अपने राइट्स के लिए इन डिफेंस ऑफ लड़ते थे, ठीक है, और पावरफुल मूवमेंट्स चलाते थे एंड अगेंस्ट अपर कास्ट ऑपरेशन और जो भी अगर अपर कास्ट उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर रही है कुछ भी मतलब उनके साथ गलत हो रहा है तो वहां पर भी वो अपनी आवाज उठाते थे इन महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले बोर्न इन लो कास्ट माली uh, फैमिली तो ज्योतिबा फुले जी का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट uh, बहुत सारा अपना जीवन का समय लगाया है अपने बहुत सारी योगदान दिया है तो जो ज्योतिबा फूले है वो लो कास्ट फैमिली जो थी माली फैमिली से वहाँ से बिलोंग करते थे और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी की जैसे जो ब्राह्मणस का अगर डोमिनेशन होता था हिंदू सोसाइटी पर तो उसके अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था ही अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एजुकेशन ऑफ लोअर कास्ट उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल दिया था कि जो एजुकेशन है लोअर कास्ट की उन्हें बहुत ज़्यादा प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जानी चाहिए especially girls for whom he opened several स्कूल jyotiba phule जी ने girls के लिए girls ki shiksha के लिए भी बहुत कदम उठाए हैं और उनके लिए बहुत सारे several schools भी open किए हैं अब हम लोग जब caste based discrimination की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टेप्स जब कास्ट based डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए लिए गए हैं तो हम बी आर अम्बेडकर जी का नाम नहीं भूल सकते जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उन्होंने इस Uh, जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है उनका मतलब uh, जो ये डिप्रेस क्लासेस हैं इनके एक स्टेज को या फिर इनकी स्थिति को सुधारने में बहुत ज़्यादा योगदान है जो uh, बी आर अम्बेडकर जी थे हु हैड एक्सपीरियंस द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग हिस्स चाइल्ड हुड उन्होंने बहुत ही ज्यादा वर्स्ट फॉर्म देखा था कि किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था अपने चाइल्डहुड में फोर्ट अगेंस्ट अपर क्लास टायरेनी थ्रू आउट हिज लाइफ और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो अपर कास्ट की जो ये टायरेनी थी इसके अगेंस्ट पूरी लाइफ उन्होंने एक अपनी फाइट या अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखी ही ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया वेल सेवर अदर लीडर्स ऑफ द डिप्रेस क्लासेज फाउंडेड द और उन्होंने क्या किया जो उन अदर जो लीडर्स थे डिप्रेस क्लासेस के उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी फाउंड की है अम्बेडकर कंडेम द हरकल एंड इंसुलर कास्ट सिस्टम एज अ होल एंड एडवोकेटेड द एनहिलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट फॉर द रियल प्रोग्रेस ऑफ द नेशन उन्होंने कहा कि जो ये हेरिडेटरी बेसिस पर कास्ट सिस्टम जो चला है आ रहा है उसको ख़त्म करने की बात की है और साथ ही साथ कहा है कि अगर आपको रियल प्रोग्रेस चाहिए नेशन की तो आपको इसको जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या जो कास्ट का इंस्टीट्यूशन प्रथा चली आ रही है इसको आपको ख़त्म करना होगा द स्ट्रगल ऑफ़ द डिप्रेस क्लासेस लेट टू द प्रोविजन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिज क्लासेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन और जो स्ट्रगल चला आ रहा था ये लड़ाई जो जंग चली आ रही थी डिप्रेस क्लासेस के हकों के लिए उसी के कारण ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का uh, जो एक्ट आया था उसमें एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है कि क्लासेस के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का ठीक है अदर इन द नाइनटीन हंड्रेड सच एज द महाराजा ऑफ कोल्लापुर एनकरेज द नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट विच स्प्रेड टू द साउद स्टेट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ़ द द्थ सेंचुरी एंड वॉज जॉइन बाय द कामाज रेडीज द मुस्लिम्स जो अगर हम और पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो नाइन्टीज़ में एक पर्सनैलिटी में महाराजा ऑफ कोलापुर जो थे उन्होंने भी नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट के स्प्रेड पर जोर दिया साउद स्टेट्स में और जो फर्स्ट जिकेड था ट्वेंटी सेंचुरी का मतलब नाइनटी नाइनटीन uh, तक जो फर्स्ट जिकेड था तो वहाँ पर जो ये कामाज थे रेडीज थे और इन्होंने और मुस्लिम्स ने ठीक है इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब फोर्सफुली स्टार्ट किया बल प्रदान किया है ड्यूरिंग द नाइनटीन ट्वेंटीज इन साउथ इंडिया द नॉन ब्राह्मि ऑर्गेनाइज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लेड बाय ई वी रामास्वामी नाइकर ई वी रामास्वामी नायकर जी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था उसको बोला जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ठीक है इन्होंने नॉन ब्राह्मिंस के अगेंस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था किसने ई वी रामास्वामी नाइकर जी ने नाइनटीन ट्वेंटीज में और कहाँ चलाया था साउथ इंडिया में देव numerous other movements demanding that the ban on the entry of lower caste into temples be lifted तो so, बहुत सारे ऐसे numerous मोमेंट्स चलाए गए जिसमें कहा गया कि जो लोअर कास्ट पर बैन है कि आप लोग temples में अगर एंटर नहीं कर सकते ये वाला जो बैन है इसको हटाना चाहिए श्री नारायण गुरु इन केरला led अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल upper caste कास्ट डोमिनेशन जो श्री नारायण गुरु जी थे केरला में केरला के श्री नारायण गुरु जी उन्होंने भी एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल चलाया था कि जो अपर कास्ट डोम डोमिनेशन है उसके विरुद्ध ही कॉन्ट द स्लोगन और जो ये नारायण गुरु जी थे उन्होंने एक स्लोगन बनाया था कि वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैन काइंड श्री नारायण गुरु जी का स्लोगन है कि एक रिलीजन एक धर्म होना चाहिए एक ही कास्ट होनी चाहिए और एक ही भगवान होना चाहिए किसके लिए मानव जाति के लिए फॉर मैन काइंड विच इज डिसिपल साधारण साधारण अयपन चेंज इन टू और जो ये श्री नारायण गुरुजी का स्लोगन था वन रिलीजन वन कास्ट और वन गॉड फॉर मैनकाइंड वाला इसे उनके जो शिष्य थे साधारण अय्यपन उन्होंने चेंज किया और उन्होंने कहा नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड उन्होंने कहा कि ना ही कोई रिलीजन मतलब धर्म होना चाहिए ना ही कोई कास्ट होनी चाहिए और ना ही कोई भगवान होना चाहिए मानव मतलब मानवता के लिए या फिर मैनकाइंड के लिए मैनकाइंड के लिए ठीक है और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं बी आर अम्बेडकर जी उन्होंने एक महाथ सत्याग्रह चलाया था 1927 में इम्पोर्टेंट है महा सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर जी ने चलाया था 1927 में टू चैलेंज द रिग्रेसिव कस्टम ऑफ द कास्ट हिंदू तो ये भी जो रिग्रेसिव कस्टम्स चलाए गए थे हिंदू कास्ट uh, में उसके अगेंस्ट उन्होंने महासत्याग्रह चलाया नाइन्टीन में ही स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ रिमूविंग आइडियाज ऑफ हाई एंड लो उन्होंने इस चीज पर स्ट्रेस किया कि जो जो जरूरत है किस चीज़ को रिमूव करने की जो हाई और लो कहा जाता है ना कि ये हाई है ये लो है किसी भी हाईज और लोज को रिमूव करने की उन्होंने बात की है इनकलकेटिंग सेल्फ एलिवेशन थ्रू सेल्फ हेल्प सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ नॉलेज उन्होंने कहा है कि सेल्फ एलिवेशन होना चाहिए कि आप खुद ही अपने आप को एक तरह से अपनी हाईट मतलब आप कोई भी कास्ट के हो कोई भी रिलीजन के हो और आप कुछ भी फॉलो करते हो तब भी अगर आपको ऊपर उठना है ना तो अपने कास्ट के बेस पर मत ऊपर उठो आप अपना मतलब खुद अपने आप को अच्छा बनाओ अपने आप खुद ऊपर उठो अपने मतलब किसी सेल्फ हेल्प से सेल्फ रिस्पेक्ट से और सेल्फ नॉलेज के बेल पर आप ऊपर उठिए ही लेड अ प्रोसेशन ऑफ सम ट्वेंटी फाइव हंड्रेड उन्होंने एक जो प्रोसेशन था जिसमें ट्वेंटी फाइव होंगे उन उनको उनके साथ उन्होंने महा टाउन है वहाँ पर वो गए और चौदह टैंक से उन्होंने क्या किया अब पब्लिक सोर्स था ये वाटर टैंक था वहाँ से उन्होंने अनटचेबल्स को अलाउड नहीं था वहाँ पर कि आप पानी निकाल सको उस टैंक से लेकिन जो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे उन्होंने वहाँ से वहाँ से वाटर निकाला उस टैंक से और ड्रेंकिट मतलब वो पानी पिया देर ह्यूज प्रोटेस्ट बाय कास्ट हिंदूज तो वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हिंदू कास्ट के द्वारा लेटर क्या हुआ दिसंबर 1927 में अंबेडकर एंड हिज कलीग्स बर्न द मनुस्मृति एट द सेम प्लेस मनुस्मृति को भी जो बी आर अम्बेडकर जी हैं और उनके कलीग्स हैं उन्होंने जलाया उसी प्लेस पर किस गेस्चर में कि वो इनइलिटीज को हटाने के गेस्चर में कि कोई भी इनक्वलिटीज समाज में नहीं होनी चाहिए इसलिए उन्होंने ये कदम उठाए डॉक्टर अम्बेडकर एस्टेब्लिश द बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924 जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में एस्टेब्लिश की लिए हाईलाइट करने के लिए कि क्या क्या डिफिकल्टीज क्या क्या ग्रीवेंसीज दलित को फेस करने पड़ते हैं बिफोर द गवर्नमेंट ठीक है इट्स मोटो वॉज एजुकेट एगिटेड एंड ऑर्गेनाइज जो ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी नाइनटीन ट्वेंटी फोर में जिसका निर्माण किया गया था उनका मोटो था एजुकेट एगिटेड एंड ऑर्गेनाइज क्या एजुकेट कीजिए एगिटेड कीजिए और ऑर्गेनाइज कीजिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ फ्री इंडिया हैज़ मेड इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इम्पेरेटिव जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है फ्री इंडिया का उनसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल कर आए हैं जैसे कि इक्वलिटी का नॉन डिस्क्रिप्शन का और जो हमारी कास्ट है मतलब एक तरह से इम्पेरेटिव बनाया गया है इसको द स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुड नॉट बी सक्सेसफुल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कि जो कास्ट um, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल चल रहा था वो इतना सक्सेसफुल ब्रिटिश रूल में नहीं हुआ द फॉरन गवर्नमेंट हैड हेडिट्स लिमिटेशन दिखिए कोई भी फ़ॉरन गवर्नमेंट है उसकी अपनी लिमिटेशन होती है उनके बनाए हुए कानून uh, मतलब बोल सकते हैं कि फॉरेन गवर्नमेंट ने बनाए हुए कानून हैं तो लोग इतने फॉलो नहीं करेंगे इट कोड नॉट एफर्ट टू इन्वाइट हॉस्टाइल रिएक्शन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन बाय टेकिंग अप एनी रेडिकल मेजर और जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा रिस्क ले भी नहीं सकती है कि ऐसा कोई रेडिकल मेजर ले ले ऐसे कोई रूल्स बना दे जिससे कि उनको बहुत ज्यादा हॉस्टाइल जो रिएक्शन है वो फेस करने पड़े से मतलब कुछ एक ऐसे लोग भी तो होंगे ना कि जो इस लॉज के अगेंस्ट होंगे जो मतलब अपर कास्ट हिंदू साहब बोल सकते हो या अपर कास्ट किसी भी रिलीजन जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हों तो वो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि ऐसे रूल्स बने जहाँ पर सबको इक्वल बना दिया जाए क्योंकि उससे क्या होगा उनका जो एक ऊंचा स्टेटस है जिस चीज़ से वो प्राउड फील करते हैं वो खत्म हो जाएगा तो वो कभी नहीं चाहेंगे जैसे राजा महाराजा नहीं चाहते थे कि उनका जो स्टेटस है वो बिगड़ जाए या उनकी जो ये शान है शौकत है वो चली जाए तो इस तरह से वो भी नहीं चाहेंगे और फॉरेन गवर्नमेंट ऐसा नहीं रिस्क लेना चाहेगी कि वो ऐसा कोई रूल बना दे और बदले में उनको एक बहुत हॉस्टाइल रिएक्शन आए ठीक है

कि जो ये सब चीज़ें हैं ये कभी हम प्राप्त कर सकते थे जब हम गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया हमारे लिए अपने देश के लिए कानून बनाए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ फ्री इंडिया एबोलिश अनटचेबिलिटी जो हमारा फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया है उन्होंने अनटचेबिलिटी की जो कुप्रथा थी उसको भी ख़त्म कर दिया है और डिक्लेयर द एंडोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग ऑफ अनटचेबिलिटी एज अनलॉफुल और जो भी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब डिसेबिलिटी प्रोवाइड करती थी अनटचेबिलिटी के कारण उसको अनलॉफुल बता दिया गया मतलब जैसे पहले क्या होता था कि किसी भी अनटचेबल को जो 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 चीज़ें करने के लिए मनाही थी जिनको अनटचेबल कहा जाता था और जिनके लिए मनाही थी वो सब रिमूव कर दी गई अब कोई भी अनटचेबल नहीं है ठीक है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब हमारा फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने किसी को भी मतलब ये जो अनटचेबिलिटी थी उसका प्रॉपरली एवोल्यूशन कर दिया आप कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं रहा और साथ ही उनको जो भी चीज़ें थी जो मना की जाती थी वो भी कोई भी ट्रेडिशन अब फॉलो नहीं किया जाएगा अगर कहीं पर भी ऐसा किया जाता है वो क्या होगा गैरकानूनी इलीगल अनलॉफुल होगा वो इट ऑल्सो फॉरबिट्स एनी रिस्ट्रिक्शन टू वेल्स और जो पहले होता था कि रिस्ट्रिक्शंस थी वेल्फेयर आप पे उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया टैंक्स में जो रिस्ट्रिक्शन थी पानी वगैरह के लिए वो भी बाथिंग घाट्स पे होटल्स में सिनेमाज क्लब्स यहाँ जैसी जगहों पे पब्लिक प्लेसेस पे इनके लिए रिस्ट्रिक्शन थी उन सबको ख़त्म कर दिया है फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने ऐसे लेट डाउन किया है ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि स्टेटमेंट द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एस इफेक्टिवली एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ़ द नेशनल लाइफ की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसी बातें कही गई हैं कि जो भी स्टेट है जो भी राज्य है वो क्या कोशिश करेगा कि वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करने का कैसे वेलफेयर को प्रमोट करेगा उनकी जो भी हक हैं और जो भी उनका सोशल ऑर्डर है उसको सिक्योर करेगा वो ठीक है और प्रोटेक्ट करेगा सोशल uh, ऑर्डर किस में चाहे वो जस्टिस में वो ही हो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोई सा भी जस्टिस हो कोई भी मतलब उनका सामाजिक कोई भी हक है या सामाजिक जो भी हक सोशल है चाहे इकोनॉमिक है चाहे पॉलिटिकल जस्टिस है जो भी वो सब उन्हें मिलेगा और जो नेशनल लाइफ है वो एक राष्ट्र के अंदर जो उनकी जिंदगी है ठीक है वो सिक्योर और प्रोटेक्टेड होगी तो इसके साथ हम लोगों ने अपना एट्स चैप्टर आई थिंक खत्म कर दिया है और इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोगों ने कर लिए हैं अब नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर नंबर नाइन स्टार्ट करेंगे और इससे चैप्टर नाइन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ओके दैट्स इट फॉर नाउ